Lady, ladies and gentlemen.
किसी और चीज में कन्वर्ट हो गई तो मुझे और कोई काम नहीं आता। इसलिए मैं आपको अपने आप में जाने पर भगवान के अनुसार तो आप भी सुझाव कि हम किस प्रकार गंगा पार कर सकते। भगवान ने भक्त को साइड कर दिया तथा क्या जो आप साक्षात मेरे समक्ष खड़े जब मेरे पास जाएंगे
सब को छोड़ के कोई नहीं जाता जब तक उसका क्रिया काम करे। तो अभी मेरे मन के पश्चात मेरा सारा परिवार आया, सारा काम आया, तो मेरी मेरी शमशान यात्रा में तीनों को लाने और मेरी अंत्येष्टि और क्रिया काम सब तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पंडित नहीं है जो आपसे ज्यादा संस्कृत जानता। तो अगर आप ये सब करना चाहते हो तो मान लो मुझे बैठो तैयार और नहीं तो भगवान समझा दे ये जो केवल है ये पिछले जन्म में एक छोटा सा समुद्री जीव और समुद्र में गंगोत्र ओशन में भगवान के पैर के विष्णुओं की चमचमाहट देख के भगवान के पैर पर लपकता कि इस तरह से मुझे भगवान के चरण। उस समय तूने इसको पकड़ लिया, ये फिर आया, तूने फिर से पकड़ा, जब ये तीसरी बार आया तो उसको जोर से पकड़ लिया, उस समय इसके प्राण गए। लेकिन इसके प्राण गए थे भगवान के चरणों को छूने की इच्छा, उसके हृदय में कोई और इच्छा नहीं, केवल मुझे किसी तरह से भगवान के चरण छूने। अब इसका टाइम इसको केवल छूने के लिए नहीं मिलेगी, इसको और के प्रिंसिपल में इंटरेस्ट भी हो गया। और वैसे भी ये जो सरकड़ा दिखता है ये देवी तरह के भगवान लक्ष्मण जी को याद कराते हैं। लक्ष्मण जी जब छोटे से देवी थे और भगवान था तो अपने रूप में खूब जब भगवान सो जाते तो उनकी माता को भगवान के पालन में उनके चरणों की तरफ सुलाती, तो लक्ष्मण उनके पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के और फिर सो जाते। लक्ष्मण को सुलाने का एक मात्र यही होता है, उससे तो जब
बहुत डिसहार्ट हो गए, खाना पीना भी छोड़ दिया। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को एक युक्ति सुनाई कि देख कल को घर में एक सेरेमनी होगा, देवर को भाभी की गोद में बैठा जाएगा और उस समय देवर को मांगेगा भाभी को। तो तू एक चरण की सेवा मांग लेना। लक्ष्मण जी बहुत खुश हो गए, हाँ बिल्कुल, उछलने कूदने लगे, नाचने लगे जैसे दिवाली वाले। ये बहुत अच्छी और अगले दिन अपनी भाभी से बाएं चरण की सेवा मांग। भाभी देना नहीं चाहती थी लेकिन रसम ऐसी मना भी नहीं कर सकती। चल बाबा बाएं चरण तेरा और दाया तेरा, हम दोनों के लिए चरण सेवा करें। तो केवल अपने घर में और अपनी पति को बताया कि चलो आज तो शुभ दिवस आया है कि हमें भगवान के चरण पकड़ने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हो। चलो जल्दी सब घर में नाचने सुनने लगे, दिवाली आ गई। हाँ हाँ चलो तो जब उसकी पत्नी ने देखा कि घर में क्या बर्तन है तो बेचारी हो और केवल से कहती है कि मुझे अपने दरिद्र होने का कभी कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे अपनी दरिद्रता का बहुत महत्व है क्योंकि आज अगर मेरे घर में कोई सोने का बर्तन होता, सोने का नहीं होता चांदी का हुआ, तो मैं प्रभु के पैर उस चांदी को मत करता। लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं, इसकी मुझे अपनी तरह बता पे आज बहुत केवल कैसा है तू मूर्ख ही रही उठा अपना काट कर और चल बर्बाद हो जाए। क्योंकि अगर तो हमारे पास चांदी सोने का बर्तन होता भी तो जैसे ही उसमें से चरण अमृत निकलता वो साफ हो जाता, लेकिन ये जो काट का कटौता है ये साफ नहीं होगा, ये भगवान के चरणों की लज और चरणामृत सोख ले। फिर उसमें रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना, तो जब भी उसमें आटा गूंदेगी वो बची हुई लज और वो चरणामृत उसमें मिल जाए। फिर वो वाली रोटी हम खाएंगे तो हमें बार बार जब किसी घर में उपदेश नहीं हो तो कई सारे तरीके निकाल। तो केवटी को समझ में आया कि हाँ बहुत अच्छा है सर, भगवान के चरण हम काट के पौधे में तो अब गए हम भागते भागते वापस जहां भगवान खड़े और कटौता उठा लिया होगा ऐसे क्या कुछ होता है कहते हैं कुछ दरकार है ऐसे ऊपर कटौता उठा लिया आप कहते हैं
sa isita o pagkuhan ka, tingo, naon sa laro din, o kaya ako, kung pa, legal. O last time, God, God, इतने में संदेह
हम जैसे छोटे छोटे जीवों को 84 लाख बार आज सारी दुनिया की योनियों में हमें सहज रहा है। 84 लाख स्पीसीज, और आपको अगर 10 बार में वापस ले जाए तो इतना ज्यादा हम जीत तो कभी नाराज नहीं होते। 84 लाख योनियों में आपके दिशा निर्देश के अनुसार भटकते हैं, जो मुश्किल मिलता है घूमते हैं, और आप खाली 10 बार में केवल हमें नाम बैठने की आदत नहीं है इतनी ज्यादा। क्यों? ये हिलती है हवा, हिलती है तो क्या हुआ? आपको डर लगता है, डर लगता है तो मेरा हाथ पकड़ मैं नहीं करने दूंगा, आपको कुछ नहीं होता तो मेरा हाथ पकड़ आप। परमात्मा ने इस आत्मा का हाथ पकड़ लिया, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं पकड़ लो इसका, शायद इसी बहाने इसको सद्बुद्धि मिल जाए। जैसे ही भगवान ने इस जीव का हाथ पकड़ा, राइट अवे किनारा आया, तो किनारे में पहुंचते ही जैसे ही भगवान ने नाव से सर्टिफाइड कर दिया।
केवल बता देंगे कर लीजो भगवान मुझे प्रभु जब द्वार दहाड़ जाए। आज आप मेरे घाट पे आए, मैंने आपको गंगा पार कराया। एक दिन मैं आपके घाट पे आया, उस दिन आप मुझे बलसागर पार करा दे बस लेते अच्छा खासा पड़ा है। लेकिन फिर भी जब देव सीता और भगवान का उत्तरायण से नहीं माने तो केवल मैं हाथ जोड़ दिए कि अच्छा ठीक है आप इतना देना ही चाहते हो तो मैं उत्तरायण दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं। जब आप देवी सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्प विमान से वापस आए, लेकिन वो पुष्प विमान पहले लंका जी को उतारा गया और वहां पे वो उतराई केवट को। ठीक है, केवट जब तक भगवान वापस नहीं आए उसने अपनी आंखों में पट्टी बांधी कि मुझे किसी को नहीं देखा। जब तक 14 साल नहीं होंगे भगवान वापस नहीं आएंगे, मुझे किसी और के दर्शन नहीं करने और मैं इस घाट से वापस नहीं जाऊंगा, मैं यही प्रतीक्षा करूंगा 14 साल और मेरी नाम में अब कोई नहीं बैठेगा जब तक भगवान वापस। 14 वर्ष तक केवल इस तरफ बैठ के कि भगवान वापस आए फिर से मुझे दर्शन होंगे। तो ये केवल भक्ति, जब लक्ष्मण जी उसको समझाते हैं कि देख भगवान से ऐसे मोल भाव नहीं करते, अगर तुझे भगवान का सन चाहिए तो क्या करना चाहिए, नाम जप। भगवान का नाम जप कर तो तुझे भगवान का सन प्राप्त। लेकिन ये केवट केवट को उसकी भी युक्ति निकाली कि हाँ ये आप मुझे उत्तरायण देना चाहते थे, उस उत्तरायण में आप रोज मेरे नाम से क्यों तेरे नाम का जब भगवान करके यहां बात करेंगे, इन्होंने मुझे याद किया या नहीं याद किया। लेकिन अगर ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि रोज मेरे नाम का जब करेंगे तो ये तो प्रॉमिस रखेंगे, प्रभु कुल मिली सदा चली जाए प्राण सोच जी। आज कुछ प्रॉमिस करूंगा कल भूल जाऊंगा, कुछ भरोसा नहीं क्या होगा। तो बहुत अटपट भक्ति है केवट की और केवट में 14 साल वहां गंगा जी चना बैठे भगवान की प्रतीक्षा की और उसको वापस जाते हुए फिर से भगवान के दर्शन। अब हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, जो किसी के प्रश्न हो वो कर लेगा।